हाँ तो हम लोग पिछले बार पिछली जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया जहाँ पे देखा कि क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे देखा फिर ये कि क्रॉप का मतलब, तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स को, सीड्स को एक ही जगह पे कल्टीवेट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है। इसी तरह से फिर हम लोगों ने देखा कि क्लाइमेट के अनुसार जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है मतलब वो दो तरह के होते हैं, पहला जो है वो खरीफ क्रॉप, दूसरा रबी, दोनों के बारे में डिफरेंस देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जिसमें हम लोग देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसमें टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों को, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मिट्टी को लूज़ करना है तो उसके लिए टिलिंग करते हैं या प्लगिंग करते हैं, तो प्लगिंग मतलब क्या कि मिट्टी को भुरभुरा करने का प्रोसेस है, मिट्टी को लूज़ करने का प्रोसेस को प्लगिंग कहते हैं, ठीक है, जिसको टिलिंग भी कहा जाता है। तो प्लगिंग क्या होता था, प्लग की मदद से किया जाता है, प्लग क्या किसी आयरन का या फिर वो किसी वुड का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस फिगर को आप देखिए गौर से तो आपको प्लगिंग का मतलब समझ में आएगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि इस इंस्ट्रूमेंट को देखिए, यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मतलब कि कोई मिट्टी सॉरी लकड़ी या फिर आयरन का बना हुआ है, जब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये जो प्लग है उस प्लग को दो बैल की मदद से मतलब दो जानवरों की मदद से बीच में बांध कर रखा गया, और उसका जो नुकीला एरिया है, ये जो एरिया है आपका, इसको देखें तो ये ज़मीन में लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये एरिया पूरा जो हो गया वो आपका वुडन का हो गया, और जब बिलो वाली एरिया की बात करते हैं किसका हो गया, आयरन का। तो इस एरिया को जिसको प्लग शेयर कहते हैं, इसको कहाँ रखा गया है, मिट्टी में, और ये एरिया जो प्लग शाफ्ट कहलाता है वो कहाँ है, ये मिडल में, मतलब इन दो एनिमल्स के बीच में प्लग शाफ्ट को रखा गया है। बीम जो है वो किसी एनिमल्स पे रखा गया ऊपर उसके शोल्डर्स पे, और इस तरह से प्लगिंग की प्रोसेस की जाती है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो हो गया ये प्लग हो गया, ठीक है, इसी की मदद से प्लगिंग की जाती है, जिसको टिलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। प्लग हम लोगों ने देखा कि प्लग क्या है, अब देखते हैं प्लग के बारे में डिस्क्रिप्शन, क्या कि प्लग का डेफिनेशन या प्लग कहता क्या है। This is being used since ancient times for tilling and tilling the soil, adding fertilizers to the crops, removing the weeds and turning the soil. ठीक है, मतलब मिट्टी को लूज करने के लिए, बीज छिड़कने के लिए प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज मेड अप ऑफ वुडन एंड इज ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, चाहे वो हॉर्सेस हो या फिर कैमल्स हो, मतलब इसको चलाने के लिए किसी दो पेयर ऑफ एनिमल्स की आवश्यकता होती है, जिसको यूज़ करके वो करते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्लिप कॉल्ड प्लग शेयर, प्लग शेयर अभी बताया फिगर में दिखाया ना आप लोगों को, प्लग शेयर ये निचला हिस्सा, ये प्लग शेयर निचला हिस्सा जो कि मिट्टी में धंसा होता है और मिट्टी को लूज करने में मदद करती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर, द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट, प्लग शाफ्ट मतलब बीच वाला हिस्सा जो कि दो पेयर ऑफ एनिमल्स के बीच में होता है,
there is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam, which is placed on the bull's neck. जो दो पैर होंगे जानवर के, उसके ऊपर पे जो रखा होता है, वो क्या होता है? इस फिगर में देखिए आप, बेहतर तरीके समझ में आएगा। ये जो बीम है, मतलब ये जो लकड़ी का हिस्सा जो ऊपर है, जो उसके शोल्डर पे रखा हुआ है, वो क्या कहलाता है? बीम। The other end is attached to the beam, which is placed on the bull's neck. One pair of bull and a man can easily operate the plug. ठीक है, मतलब कि प्लग को चलाने की, प्लगिंग करने के लिए किसी दो पेयर ऑफ एनिमल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कि प्लग शाफ्ट को नीचे रखा जाता है। प्लग शाफ्ट जो बीच में दो एनिमल्स के बीच का एरिया होता है, वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन प्लग शेयर जो होता है वो आपके मिट्टी में बंधा होता है, मतलब कि धंसा होता है। अब बात करते हैं हो की, हो क्या है? ठीक है, तो हो इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज टू रिमूव वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉयल। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड प्रूड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू द वन इट्स एंड एंड वर्क लाइक ए ब्लेड इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स। ठीक है, आप इसको देखिए, ये है हो, यहाँ पे ये जो एरिया है ये बेंट प्लेट है जो कि नीचे की तरफ धंसा होता है। जो इसका काम क्या है मेनली, जो भी घास, जब मिट्टी की प्लगिंग की जाती है तो जो घास होते हैं या फिर जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको ये इसमें फंस करके सॉरी उसको फंस करके वो साइट में आता चला जाता है, और एक समय के बाद फार्मर जो होता है उस अनवांटेड प्लांट्स को या फिर जो भी घास हैं उसको उठा करके वो बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो है, इसमें ये ग्रिप होता है, ये हैंडल है, ये बीम है, रॉड है, और ये बेंट ब्लेड। अगला है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर की वजह से आजकल होने के कारण क्या होता है, समय बचता है और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारा डिपेंडेंसी किस पर रहता है, किसी मशीन पे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज छिड़कना, बीज बोना, ये सोइंग कहलाता है। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रीफर दीज यूज सीड्स विच हैव हाई यील्ड। मतलब कि जैसे आप किसी काम को करने से पहले आप चाहते हो कि वो काम बिल्कुल अच्छी तरह से हो, तो उसके लिए कुछ चेकिंग करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, तो इसी तरह फार्मर्स को भी एडवाइस दिया जाता है कि जब भी आप सोइंग करने चाह रहे हो, मतलब कि किसी भी फसल को उपजाने जा रहे हो, तो उस फसल की पहले गुणवत्ता, मतलब उसका उस बीज के प्रोडक्टिविटी को देख लिया जाता है, जिससे कि बाद में आफ्टर प्रोडक्शन किसी फार्मर को लॉस सहना ना पड़े। तो एक एक्टिविटी दिया है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। कह रहा है कि किसी भी बर्तन में पानी ले लीजिए, एक मुट्ठी गेहूं का या फिर किसी भी जो फसल जो रोपना है आपको, उस फसल के दाने को लीजिए और उस पानी में डालकर छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद इंतजार कीजिए। अगर वो फसल सॉरी अगर वो दाना, मतलब गेहूं का दाना नीचे बैठ गया तो स्वस्थ है, और जो ऊपर आ रह गया मतलब वो अस्वस्थ है। तो मतलब उसमें ये चेक किया जाता है उसकी गुणवत्ता को। आर दीज वीड्स फ्लोट ऑन वाटर, वुड दिस बी ए लाइटर और हैवियर देन द यूज ऑफ सिंक। वाई वुड दिस बी लाइटर, डैमेज सीड बिकम्स हॉलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। कह रहे हैं क्या कि अगर वो ऊपर रह जा रहा है, तो ऊपर रह जाने का मतलब क्या है कि वो डैमेज है। तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस को देखते हैं, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो, मतलब छेद हो जाता है उसमें, एंड दस
लाइटर, देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और इसलिए वो पानी में ऊपर रह जाते हैं, कि जो हेल्दियर सीड है वो नीचे बैठ जाते हैं और वो अच्छा होता है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग अ गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन बिफोर सोइंग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोइंग सीड। ठीक है, अब जब बीज को छिड़कने जा रहे हैं या बीज को बोने जा रहे हैं तो उसके पहले उसके भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ट्रेडिशनल वे क्या कहता था, ट्रेडिशनल टूल इज़ यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज सेप्ड लाइक फनल। ठीक है, एक फनल की तरह, मतलब एक नली की तरह। द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल पास ड्रॉन डाउन थ्रू द टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड। दिस एंड पियर्स इन टू द सॉयल एंड प्लेस्ड सीड हेयर। आप यहाँ पे देखिए फिगर में, इस फनल में डाले जाते थे और ये प्लगिंग है, आगे चला जाता था और उसमें बीज डालते जाते थे, जिससे क्या होता था, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ऐसे करके गिरता चला जाता था। जहाँ जहाँ प्लगिंग हुआ वहाँ वहाँ बीज बीज चलता चला जाता था। ठीक है, तो ये है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। अब अगर है सीड ड्रिल, सीड ड्रिल यहाँ पर देखिए कि ये जो ऊपर से है, ठीक है, और यहाँ पे भी उसी तरह प्रोसेस है, पर यहाँ थोड़ा बेटर प्रोसेस है देन ट्रेडिशनल। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज टू सोइंग द सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कन्वर्ट By the soil after sowing। मतलब जब आप सीड ड्रिल से करते हो तो ये पक्का जो है वो सीड को ढक देता है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से फिर चलता चला जाता है, जैसे कि बीज आगे गिरता चला जाता है और ये ऊपर से उसको ढकता चला जाता है। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाई द सॉयल आफ्टर सोइंग। This process seeds, this protect seed from being eaten by bird। और इससे क्या होता है, बीज को नुकसान नहीं होता, मतलब कोई पक्षी उस बीज को खाते नहीं है। Sowing by using the seed drill saves time and labor। इस तरह से सीड ड्रिल से करने से क्या होता है, समय की बचत होती है और मेहनत भी कम लगता है। इसके बाद appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants। अगर हर सीड के बीच में डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, सारे पौधे एक दूसरे से सट जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिससे कि उसकी ग्रोथ में डिफिकल्टी होगी। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और समय के साथ अगर ओवर क्राउडिंग होता है तो वहाँ से कुछ प्लांट्स को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स और बाकी जो टॉपिक्स है उसको देखेंगे। थैंक यू।